हिंगन घाट में बामसेप के पदाधिकारी मिर्जा परवेज बेग इनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। वर्धा जिले की हिंगन घाट में रात के दौरान पुलिस और होटल संचालक आपस में भिड़ गए और शाब्दिक चकमक हुई थी। होटल देर रात तक खुला रहने की वजह बताते हुए पुलिस ने होटल की छानबीन करने की बात की थी। तब मृतक मिर्जा परवेज बेग के बेटे हशबाज ने मिर्जा परवेज बेग इनको इस बारे में जानकारी मोबाइल द्वारा दी। तब मिर्जा परवेज बेग घर से होटल आए। संबंधित प्रकार के बारे में जानकारी लेते वक्त पुलिस के गैर जिम्मेदार बर्ताव के रहते यह घटना हुई और लजीज होटल संचालक के पिता की वहां दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इससे पुलिस और नागरिकों के बीच तनाव पैदा हो गया था। हिंगन घाट के जुने बस स्टॉप के पास लजीज होटल में रात को यह घटना हुई थी। पुलिस और होटल के मालिक के बीच वाद विवाद और शाब्दिक चकमक हुई, इसी कारण दिल का दौरा पड़ने की बात सामने आई है। मौत के बाद नागरिकों में आक्रोश हुआ। गुस्साए नागरिकों ने रात में अपना मोर्चा पुलिस स्टेशन हिंगन घाट में ले गए। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के निलंबन के लिए मांग की गई। मृतक हाजी मिर्जा परवेज बेग पर एक शव परीक्षण करने के बाद फिर पुलिस स्टेशन हिंगन घाट में उनके रिश्तेदारों के बीच और कुछ लोगों के बीच चर्चा हुई। पुलिस प्रशासन के साथ सविस्तर बातचीत चर्चा के रहते पुलिस विभाग द्वारा पीयूष उल्लास जगताप उप विभागीय अधिकारी वर्धा इनको जानकारी दी गई। तब पुलिस कर्मचारी इनका प्रथम दर्शनीय सहभाग रहते सहायक फौजदार आरिफ इनका निलंबन पुलिस अधीक्षक वर्धा द्वारा किया गया है। तब पुलिस निरीक्षक पिंदूरकर इनके ऊपर स्वतंत्र जांच की बात की गई है। पुलिस अधीक्षक दर्जे के अधिकारी को जांच सौंपने की बात की गई। उनका हवाल आने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करने की बात कही गई है। तब हिंगन घाट में तनाव का माहौल है और थाने में जिले की पुलिस हिंगन घाट में दाखिल हुई है। जी पुलिस स्टेशन हिंगन घाट जिला वर्धा येथे पुलिस निरीक्षक पिंदूरकर आणि त्यांचे सहकारी नाईट पेट्रोलिंग दरम्यान हिंगन घाट शहरातील हॉटेल लजीजचे मालक परवेज बेग यांच्याशी त्यांचा किरकोळ कारणावरून वाद झाला आणि त्या वादाच्या दरम्यान हॉटेलचे चालक परवेज बेग यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं। याबाबत पोलीस स्टेशन हिंगन घाट या ठिकाणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून त्याबाबत स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे। तसेच या प्रकरणामध्ये मयत परवेज बेग यांच्या नातेवाईकांनी पोलीस निरीक्षक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध जे आरोप केलेले आहेत त्याबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय चौकशी सुरू करण्यात आलेली असून पोलीस कर्मचारी यामध्ये समाविष्ट असणारा याच्या प्रथमदर्शनी सहभाग दिसून असल्यामुळं त्याला माननीय पोलीस अधीक्षक वर्धा यांनी निलंबित करण्यात आलेलं आहे आणि पोलीस निरीक्षक पिंदूरकर यांच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे कारवाई सुरू आहे। या घटनेमध्ये ज्यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले होते सहाय्यक फौजदार आरिफ यांना पोलीस अधीक्षक वर्धा यांनी तात्काळ प्रभावानं निलंबित केलेलं आहे। या बाबतीमध्ये कोणी पिंदूरकर यांच्या चौकशीचे आदेश हे पोलीस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेले आहेत। त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत पोलीस अधीक्षक वर्धा हे अंतिम निर्णय घेतील। हिंगन घाट से रवी नोरकर की रिपोर्ट, NBC News, नागपूर।